आज की कहानी है एक गरीब जूता साज के बारे में, जो कि चमड़े का टुकड़ा अपने हाथ में उठाए अपने आप से कुछ बातें कर रहा था। काश मैं इस चमड़े के टुकड़े से कुछ अच्छा सा जूता बना सकूं, ताकि उसे बेचकर मैं जो पैसे हासिल करूं, उससे मैं कुछ और चमड़ा और खाने का कुछ सामान खरीद सकूं। ये सोचकर उसने चमड़े का टुकड़ा उसके कमरे में मौजूद एक अदद मेज, जो कि उससे थोड़ी ही दूर पड़ी थी, उस पर रख दिया, क्योंकि शाम होने को थी। पर जो चीज उसे मालूम ना थी कि खिड़की में दो अदद बोने उसकी ये बात सुन रहे थे। उसने चमड़े का वो टुकड़ा उस मेज पर रखा और आराम करने के लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसके वहां से जाने के बाद वो दोनों बोनी खिड़की से अंदर आ गए। वो उसकी बातें सुनकर उदास हो गए थे। उन्होंने सोचा, हमें जरूर इसकी मदद करनी चाहिए, ये मजबूर दिखता है। ये सोचकर उन दोनों बोनों ने चमड़े के टुकड़े से एक खूबसूरत जूता बनाना शुरू किया। उन्होंने एक मजबूत और बहुत ही आरामदेह जूता पूरी रात में अपने नन्हे नन्हे हाथों से तैयार कर दिया। सुबह होते ही वो वहाँ से चले गए। जूते बनाने वाले की बीवी जब सुबह उसके काम करने वाले कमरे में आई, तो उसने मेज पर एक शानदार और खूबसूरत जूतों का जोड़ा पड़ा देखा। उसने वैसा जोड़ा कभी न देखा था। उसने फौरन अपने शोहर को बुलाया। वो भी उस जूते के जोड़े को देखकर हैरान रह गया। वो बोला, मैंने तो आपको यहाँ पर सिर्फ चमड़े का एक टुकड़ा रखा था, जाने किस मेहरबान ने उससे जूता बनाया। उसने जूता बेचा और वो जूता एक बहुत अमीर आदमी ने नहायत महंगे दामों में खरीद लिया। उसने आज तक ऐसा आरामदेह जूता कभी न देखा था। उसके दिए हुए पैसों से जूते बनाने वाले ने भी दुकान से और चमड़ा खरीदा और अपनी जरूरत की कुछ चीजें ली। उन्होंने चमड़े के कुछ टुकड़े वापस कमरे में रख दिए और उसकी बीवी खिड़की से छुपकर देखने लगी कि आखिर रात को यहाँ कौन आता है। जब उसने देखा कि छोटे बोने उनकी मदद करने आते हैं, तो उन दोनों ने मिलकर उन छोटों के लिए खूबसूरत कमीजें और टोपियां बुनना शुरू की। और शाम ही को उनके कपड़े और टोपियां वो उसी कमरे में रख कर चले गए। बोनों ने जब वो चीजें देखी, उन्होंने फौरन से वो कपड़े पहने और खुशी के मारे नाचने लगे। नाचते नाचते वो खुशी से चिल्लाते हुए वहां से चले गए, पर उसके बाद वो कभी ना आए। पर अब जूते वाले को अंदाजा हो गया था कि लोगों को किस तरह के जूते पसंद हैं। उसने हूबहू वैसा ही जूता बनाना शुरू कर दिया जैसा कि वो छोटे बोने बनाया करते थे। उसका काम अब बहुत अच्छा चलने लगा था, क्योंकि उसके जूते बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून होते थे। वो अब हमेशा ही वैसे जूते बनाता रहता और वो बहुत अच्छे दामों फरोख्त होते, जिनसे उनके हालात अब बहुत अच्छे हो गए थे। वो अब गरीब ना रहे थे और वो दोनों अब खुशी खुशी रहने लगे थे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.